की बारी जोर लाले छत्तिया मैंने को नारदा मैं दस बारी फारदा मैं ओदे उत्तों सौ सौ दिया गत्तिया टाइम लगू मिटने नू सानू पहले सिटने नू की बारी जोर लाले छत्ती कोले आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको स्कॉर्पियो एन Z2 वेरिएंट जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है और भाई यहां से जाने वाला है फुली टॉप मॉडल फील्ड्स के अंदर। टॉप छोड़ो भाई, टॉप से भी ऊपर मिलने वाले क्योंकि इसके अंदर एक लग्जरी इंटीरियर जिसके लिए अपना भाई ऑटोमैटिक फेमस है। इंटीरियर को रिगार्डिंग एक नए से नए कलर आपको हमेशा शोकेस करे स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ नया फिर से लेके आ चुके हैं, साथ में गितेश भाई जुड़ेंगे और आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। सामने अपने गितेश भाई, क्या हाल चल भाई? बढ़िया भाई, एकदम। क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए आज अपने पास बेस वेरिएंट आई है Z2 वेरिएंट, जिसके अंदर एक्सटीरियर इंटीरियर सारा ही काम होने वाला है। बिफोर लुक चेक आउट कर लो और एंड लुक बिल्कुल एंड ही होने वाली है, एंड ही होने वाली है भाई। ठीक है, फ्रंट से बात करें क्या कुछ चेंज? फ्रंट से हमने ग्रिल पियानो कर दिया है, इसमें ग्रिल स्लॉट लगेगी तो रोम वाली। ठीक है, रिप्लेसमेंट पार्ट आती है पूरा प्रॉपर। ठीक है, गैजल इंस्टॉल हो गया, फोर लाइट पड़ा हुआ वहाँ पे डब्बे में, लेदर प्ले डब्बा पैक अपग्रेड कर रहे हैं, कोई आफ्टर मार्केट सिस्टम नहीं है, प्लग एंड प्ले रहने वाली सारी सिस्टम, हार्नेस भी प्लग एंड प्ले, हार्नेस भी प्लग एंड प्ले, जितनी भी चीज होगी प्लग एंड प्ले रहेगी ना, बिल्कुल। वारंटी वाला सिस्टम 8% भी नहीं भाई। डोर वोर के खोल दिया भाई यहाँ भाई, डोर ही पूरा एक कम्फर्ट अलग ही कस्टमाइज होने वाला है। इसके अंदर हम रबर पेंट लेदर रैप करेंगे, यहाँ पे डबल स्टिच देंगे और इसमें अच्छा ये लेदर रैप के अंदर कर रहे हैं, आज कोई डिप पेंट नहीं कर रहे हैं, डिप पेंट नहीं कर रहे, लेदर रैप कर रहे हैं। लेदर रैप कन्वर्ट करेंगे इसपे और इसपे, और कौन और वुडन का फिनिश दे रहे हैं, बेज कलर, बेज कलर का हुंडा बेज रहने वाला है। और वुडन किस पे दे रहे हैं? इंटरनल्स पे, इस वाले पैनल पे देंगे हुंडा। ये रहेगा अपना पियानो ब्लैक, इनर हैंडल पियानो ब्लैक, अंदर लग्जरी इंटीरियर रहने वाली है। अब साइड में बात कर ले यार, गाड़ी रूम्स पे जाने वाली है क्या? नहीं, अलॉय व्हील चेंज होगा, ये बात तो है, बिना अलॉय व्हील के तो मजा नहीं है। ठीक है, मिरर, मेरा अपना ऑटो फोल्ड रहने वाला, विंडो थ्रो हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, ये आया था कंपनी से। देखो भाई ये है बिफोर, ये है बिफोर, किसी काम का नहीं है ये, इसको कचरे में डाल दो। साइड हैंडल्स, हैंडल बॉडी पेंट होगा, स्लाइडिंग हमने इंस्टॉल कर दिया है रिप्लेसमेंट सीन के अंदर। अब थोड़ा सा अंदर में बात कर लेंगे चेंजेस, अंदर में अपना डैशबोर्ड पे लेदर होगा। ठीक है, पूरी फिटमेंट ये देखो भाई, एक्यूरेट अपनी स्कॉर्पियो एन के लिए रहती है, वो इसके अंदर अपग्रेड करने वाले हैं, साथ में कस्टमाइज सीट कवर्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, और इंक्लोजर लगा रहे हैं इसके अंदर? नहीं, इंक्लूजन नहीं रहने वाला, पर बाकी सारा काम रहने वाला इसके अंदर। और भाई ये सारी वर्किंग के लिए आना का है? ऑटोमेटिक कार्ट है और ट्रोल बार। भाई देखो यहाँ पर गाड़ी आती है तो बेस मॉडल, लेकिन इस स्टोर पे आने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रूफ रेल फुटरेस्ट कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, सारा महिंद्रा का सेटअप तो पूरा अपग्रेड करेंगे ही करेंगे, साथ में एक लग्जरी इंटीरियर दिखाने वाला इस वीडियो के अंदर। तो भाई एंड तक देख के चलनी है वीडियो, और ऐसा कुछ काम करना तो आपको आना है गितेश भाई के पास। ऑटोमैटिक कार्ट इधर ट्रोल बार। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो एन हो चुकी कंप्लीट, साथ में है गितेश भाई, कंप्लीट सारा काम, कंप्लीट भाई सारा काम A to Z। भाई वेरिएंट कौन सा था ये? ये Z2 वेरिएंट था, Z2 वेरिएंट था, फुली टॉप मॉडल फील्ड्स की लुक आपके सामने है, बस एक हेडलाइट को फ्रंट से, हाँ हेडलाइट छोड़ दो, हेडलाइट में टॉप मॉडल में रोशनी नहीं आती इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए एलईडी सेक्शन के अंदर अपग्रेड करा गया, कस्टमाइज हेडलाइट करवा सकते हो, प्रोजेक्टर भी लगवा सकते हो आप। ठीक है, फ्रंट से बात कर ले भाई क्या कुछ चेंज? जेन्युइन फोर लाइट इंस्टॉल किया हमने, वर्किंग रहने वाला कॉम्बिनेशन स्विच के साथ। तो भाई कॉस्टिंग की बात कर ले, कॉस्टिंग पड़ रहा बेस टू टॉप पे 6,000 रुपए। और जो मार्केट में फ्री एरिया सिस्टम चल रहा है भाई उस पे क्या? भाई फ्री कहने की होती है, फ्री ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री तो ये अपने घर से नहीं देता, डिस्काउंट मिलता है, इसलिए डिस्काउंट आपको वीडियो में बता भी देते हैं, इतना परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वर्किंग देख लो भाई, अपनी पार्किंग लाइट ऑन है, फॉग लाइट अपनी ऑफ है, अंदर से ऑन करना है एक बार, ये देखो भाई, देखो अंदर से अपनी फॉग लाइट अपनी ऑन हो चुकी है, जेन्युइन कॉम्बिनेशन स्विच के अपग्रेड कर चुके हैं। ठीक है, हेडलाइट में चेंजेस की बात कर रहे हैं, हेडलाइट में हाई बीम लो बीम दोनों के अंदर हमने 180 वाट की एलईडी डाला। स्टार्टिंग रेंज कितने से मिल जाती है? स्टार्टिंग रेंज 3500 से मिल जाती है, एक प्रीमियम सेगमेंट की बात करें। फ्रंट फेस व्हाइट के अंदर फुली आपको मिलने रहा, ये लुक आपको सामने है पूरी, बल्कि दिन के टाइम इतना रिस्पांस दिखा नहीं पाऊंगा, नाइट रिस्पांस बहुत अच्छा है, मैं कई भी वीडियो में दिखा भी रखा हूं और आप नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, अब ग्रिल में चेंजेस की बात कर ले, ग्रिल में मैट ब्लैक ग्रिल आता था, यहाँ पे हमने हाई ग्लॉस ग्रिल कर दिया है, 7 स्लॉट जो अपने मैट ब्लैक आता था इसको हमने जेन्युइन क्रोम में अपग्रेड कर दिया। क्या कॉस्टिंग है इसकी? 3,000 रुपए भाई, 3,000 रुपए। साथ में भाई यहाँ पर 360 कैमरा अपग्रेड करा गया है, तो फ्रंट में कैमरे की प्लेसमेंट सेम टॉप मॉडल फील्स का, बिल्कुल भाई ओएम की तरह फिटिंग मिलेगा। आप तो नीचे की बात करें, नीचे हमने सिल्वर स्ट्रीट प्लेट लगा दिया, टॉप मॉडल वाली, 3 लेयर पेंट आता है, नॉर्मल स्प्रे पेंट तो नहीं है? नहीं भाई, 3 लेयर पेंट रहने वाला, 4 साल की गारंटी रहने वाली है। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक दोनों रिप्लेस करें, क्या कॉस्टिंग पड़ती है फ्रंट बैक की? फ्रंट एंड बैक दोनों की पड़ती है 2,500 रुपए। अब थोड़ा साइड फेस में बात कर लेंगे भाई, साइड फेस में 18 इंच अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किया विद सीएट टायर के साथ। फ्रंट फेस देख लो, कैलिपर यहाँ पे रेड हो गया, लग रही है
18 इंच के लगने के बाद ना एक बल्की लुक आ जाती है अपनी गाड़ी के अंदर। स्टॉक टायर्स में 17 में भी जा सकते हो आप, हाँ, 17 में भी जा सकते हो। 17 का प्राइस पड़ता है 40,000 रुपए और 18 का अलॉय का प्राइस पड़ता है 51,500 रुपए। टायर रिकॉशिंग अलग पड़ जाती है, हाँ, टायर डिफरेंस ये आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है या ब्रांड के हिसाब से होता है, ठीक है। अब थोड़ा पहले साइड से बात कर रहे थे, यहाँ पर पहले फुटरेस्ट दिखा दो, फुटरेस्ट नहीं आता इस वेरिएंट। टॉप मॉडल वाला फुटरेस्ट हमने इंस्टॉल किया है। स्ट्रेंथ लेवल देख लो भाई आपके सामने है। कॉस्टिंग की बात कर ले भाई 4,000 रुपए बेस टू रॉप, 4,000। हमने व्हाइट बॉडी पेंट कर दिया है, इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। ये दारी लॉक आपके मिरर्स फोल्ड हो चुके हैं, अनलॉक करते ही अनफोल्ड। क्या कॉस्टिंग पड़ रही है ऑटो फोल्डिंग की? 10,500 रुपए। 10,500 साथ में की में भी बात कर लेते हैं। की अपग्रेड हुआ है, कंपनी से डमी आता है, ठीक है। बटन्स वर्किंग नहीं आते इसमें, जेनवन की अपग्रेड करी गई महिंद्रा की। साथ भाई आपको यहाँ पर अंदर ब्रांडिंग भी मिल जाएगी महिंद्रा की देखने। क्या कॉस्टिंग है चाबी की? 3,000 रुपए। 3,000 बिल्कुल, ठीक है। हैंडल्स भी अपने मैट फिनिश के अंदर आते हैं इस वेरिएंट। ये भी हमने बॉडी पेंट कर दिया है, ठीक है। और सेम टू सेम रहने वाला। उसके बाद विंडो तो रूम हमने रिप्लेस किया, 4-piece सेटअप होता अपना, पीछे वाला पेस्टिंग होता है। यहाँ पे स्क्रू सिस्टम मिल जाता है आपको प्रॉपर। ये रहा भाई अपना स्क्रू सिस्टम जिसके अंदर आपको मिलने वाला है। क्या कॉस्टिंग है भाई इसकी? इसकी कॉस्टिंग पड़ने वाली 5,500 रुपए, 6-piece सेटअप था, ठीक है। डोर वाइजर स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाएंगे, इसमें रेड फिनिश आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर अपना क्रोम लाइनिंग मिल जाएगा। और रूफ रेल्स जेनवन महिंद्रा रहने वाला भाई, इसमें ब्लैक चाहिए ब्लैक मिल जाएगा, सिल्वर चाहिए सिल्वर मिल जाएगा। क्या कॉस्टिंग पड़ रही है इसकी? कॉस्टिंग पड़ी थी आपको 5,000 रुपए। 5,000। और ड्रिल सिस्टम रहता है, लाइफ टाइम की गारंटी है। लीकेज था, लीकेज इशू 1% नहीं मिलेगा? 1% भी नहीं भाई, ये तो नहीं भाई। हमने अभी तक मार दियो हजारों दारियां दर दिया, एक कंप्लेंट भी नहीं आया हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा बैक से बात कर लेंगे, तो बैक में पहले भाई स्पॉइलर नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर। स्पॉइलर हमने बॉडी पेंट करा है, कंपनी से रॉ फिनिश में आता है, ठीक है। प्रॉपर स्क्रू सिस्टम रहने वाला अपना। कॉस्टिंग पड़ने वाली 5,500 रुपए विद पेंट, ठीक है। वाइपर डमी है, डमी रहने वाला 800 रुपए। 800 रुपए वर्किंग करवाते हो 6,500 रुपए, ठीक है। हैंडल्स बैक वाले भी पेंट करेंगे, हाँ जी। साथ में यहाँ पे रिवर्स कैमरा, ठीक है। नीचे हमने बम्फर क्रोम 3-piece सेटअप रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद बुलगार्ड लगा, डाइजेस्ट ब्रांड का है, ब्रांडेड क्वालिटी अपग्रेड करी गई। और बैक की स्किड भी आपके भाई क्वालिटी देखो, स्ट्रेंथ देखो, ये देखो भाई स्ट्रेंथ लेवल आपके सामने। उसके बाद नीचे स्किड प्लेट। अब आउटर दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दे एक बार। इंटीरियर दिखा देते, बेज इन ब्राउन था इंटीरियर रहने वाला, कुछ अलग रहने वाला तो दिखा देते। टॉप नॉच क्वालिटी इंटीरियर जो कन्वर्ट करा गया है, चेक आउट करो भाई। स्कॉर्पियो एन के अंदर एक लग्जरी सेगमेंट इंटीरियर आपके सामने है, पूरी लुक ये मिल जाती है। डोर से बात कर लेंगे, चेंजेस क्या करें? डोर में यहाँ पे जो ब्राउन एरिया आता था उसको हमने रबर पेंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अपना सॉफ्ट टच हो दिया डबल स्टिच के साथ, डबल स्टिचिंग अपग्रेड करिए, साथ में आपको सॉफ्ट टच भी मिल जाएगा। ये मैट ब्लेक आता है अपना कंपनी से, ठीक है। और टॉप मॉडल में ब्लैक पियानो आता है, यहाँ पे हमने मार्बल टच दिया है। मार्बल टच अच्छा लग रहा है, हाँ। डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाता है और डिफरेंट डिजाइन भी ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इंटीरियर करवा रहे हो तो आप ऐसा कुछ करवा सकते हो चेंजेस अपने प्लेट्स के अंदर। टॉप मॉडल में तो सभी जाते हैं, कुछ अलग करवाओ ज्यादा प्यारा लगेगा आपके। इंटीरियर भी भाई टॉप मॉडल से अलग करा गया इसके अंदर, तो सेम फिनिश में ये भी चेंजेस करे गए। इनर हैंडल्स भी ग्लॉसी है और ये भी पूरे ग्लॉसी अपग्रेड करे गए। और साथ में हमने बटन भी रिप्लेस किया, पियानो फिनिश में दिया, तो टॉप मॉडल वाले अपग्रेड करे गए। हाँ। मतलब लग्जरी लुक लग रही है भाई यहाँ पर, डोर भी देखने के अंदर भी। ये भी अपने चेंजेस करे गए भाई, बिल्कुल भाई। ये भी मार्बल फिनिश के अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट और ये स्टूडियो का फ्रेम का आउटर बॉडी, ठीक है। ये भी पूरा कन्वर्ट करा गया, वैसे हम ग्लॉसी में कन्वर्ट करते हैं लेकिन आज कुछ अलग। हाँ, कंपनी में ये सिल्वर आता है, ठीक है। साथ में नीचे दिखा दूं पहले फ्लोरिंग का प्रोसेस है, क्या बेनिफिट रहते हैं फ्लोरिंग? वाटरप्रूफ डस्ट प्रूफ रहता है, कंपनी का कारपेट सेफ रहने वाला। नीचे जो फ्लोर की बात करें, जन 1% नहीं लगेगा, ठीक है। और ऊपर अपने लेजर कट मैट्स अपग्रेड करे गए, हाँ, जिसको हमने रीगल ब्रांड के अपग्रेड करे गए इसके अंदर। अब दिखा दो भाई टॉप नॉच क्वालिटी वाले सीट कवर्स है, जिसमें आपको थाई सपोर्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए। और बकेट फिटिंग का प्रोसीजर है, जिसके अंदर फिटमेंट में माइनर भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलने वाला। इधर दिखा दो, परफेक्ट डिजाइन मिल जाएगा। कौन सा लेजर है भाई? ये अपना मोनोलियन लेदर रहने वाला। कितने टाइम की वारंटी मिल रही है? लाइफ टाइम की वारंटी मिल रही है। लाइफ टाइम की। अगर ऐसा इंटीरियर थोड़ा खर्चे की बात कर ले, स्टार्टिंग रेंज कितने से मिल जाती है? ऐसा इंटीरियर आपका 25,000 से स्टार्ट हो जाता, 35,000 क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज जाता, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, डिजाइन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बहुत प्रीमियम लग रहा है। सेम रेंज में बैक में भी दिखा दूं, आमरश खोलना भाई इसका एक बार, बिल्कुल भाई। तो आमरश की फिटमेंट भी चेक करवाया था, प्रॉपर फिटिंग रहने वाला है, 0-0 फिटमेंट, बिल्कुल 0-0। और बंद करना इसको एक बार, देखो भाई कहीं घूसे मारने वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, 1% यार फिटमेंट बिल्कुल टक टू टक इसके अंदर मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो ए पिलर्स अपने अपग्रेड करेंगे, महिंद्रा जेनवन Z2 के अंदर नहीं आते। क्या कॉस्टिंग है भाई ए पिलर्स की?
ये पिलर की कॉस्टिंग पड़ती है 1200 रुपए दोनों साइड का, 1200 रुपए ठीक है। देख लो भाई ये रही लुक आपके सामने, साथ में भाई यहाँ पर दिखा स्टीयरिंग बैलेंस इसकी बात कर ले भाई। स्टीयरिंग तो हमने डबल टोन में स्टीयरिंग रैप किया मून डिजाइन के अंदर, प्रॉपर यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाएगा आप तो क्वालिटी चेक आपके सामने। हाँ, हफ्ते की बात करें हफ्ते भी लेदर रैप किया, यहाँ पे डबल स्टिच मिल जाएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल भी कस्टमाइज रहने वाला, टॉप मॉडल ये सिल्वर आता, इस पे भी हमने मार्बल टच दिया, जो मार्बल टच है बहुत प्यारा लग रहा। और ग्लॉसी बटन है अब, हाँ जी बिल्कुल भाई अंदर। और ये भी पियानो आप देख सकते हो, यू जो बोलते हैं हम इसको, ठीक है बस। और ये वाला पार्ट ग्लॉसी में करा है। हाँ ये पार्ट ग्लॉसी में हुआ अपना, ठीक है। और यहाँ पर दिखा दू कंसोल भी, ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी में हुआ। स्टूडियो फ्रेम भी पूरा ग्लॉसी, पूरा स्टूडियो चेंज हुआ। ये 10.33 इंच का स्टूडियो रहने वाला, जैसा ओईएम फिटमेंट टाइप इसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। कंपनी में फीचर्स आपको नहीं मिलते ना, वो सारे फीचर्स आपको इसका अंदर एड ऑन मिल जाएंगे, जैसे यूट्यूब मिल जाता है, प्ले स्टोर है, जीमेल आईडी के बाद कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना 360 का व्यू देख सकते हो आप फ्रंट, ठीक है। दिखा एक बार दिखाया था आराम से, देखो भाई 3D व्यू पूरा आपको मिल जाएगा। कैलिब्रेशन का प्रोसेस देख लो, बिल्कुल 0 to 0 है। माइनर भी आपको यहाँ पर ब्लर इशू 1% नहीं मिलने वाला देखने के लिए। और इसके अंदर आपको मल्टीपल व्यूज भी मिल जाते हैं, ये देखो ये बैक का आएगा, सेम फीचर्स आप 2D में भी देख सकते हो, लेफ्ट राइट, ये अपना लेफ्ट एंड राइट दोनों का मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ये पूरा फ्रंट व्यू है। और इंडिकेटर पे वर्किंग में मिल जाएगा आपको, इंडिकेटर पे भी वर्किंग, ये लेफ्ट साइड का है और ये अपना राइट साइड का। देखो भाई अलॉय तक व्यू इसके अंदर आपको दिखने वाला है, और ये पार्किंग फीचर मिल जाएगा, ठीक है। स्पीकर में चेंजेस कुछ नहीं करे हैं, स्टॉक स्पीकर रहने वाला, स्टॉक स्पीकर्स रखे हैं, बिल्कुल भाई। अब थोड़ा सा खर्चा जान ले, ऐसी गाड़ी रेडी करानी है कितना खर्चा आया था गाड़ी में? ऐसी गाड़ी अलॉय अलॉय सब चीज लेते आप देखा जाए तो ऐसी गाड़ी में 2 लाख रुपए का खर्चा आया था। 2 लाख रुपए में ऐसी कुछ गाड़ी आप रेडी करा सकते हो। और सारी वर्किंग के लिए आना कहा है? ऑटोमेटिक कार्डेड और त्रोल बाद, स्क्रीन पे नंबर है, डिटेल लेने कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बेस वेरिएंट लेके आ रहे तो टॉप मॉडल से भी अपर वाली फील्स आप ले सकते हो, और बाकी कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शन आपके पास अल्टीमेट है, अल्टीमेट कोई भी कलर करवा सकते हो आप। यहाँ तक के डिजाइन का भी कलर हमने लास्ट टाइम दिखाया था, एक ब्लैक एंड रेड, वो भी बहुत एक प्रीमियम लुक लग रहा था देखने में। और ये भी फ्रंट लुक आपके सामने, कमेंट में बताना भाई कैसी लुक लग रही है। और ये अगर इंटीरियर करवाना है तो आपको आना भाई ऑटोमेटिक कार्ड और त्रोल बाद।